दीपिका की बात सुनकर अक्षत का चेहरा पीला पड़ चुका था। इस वक्त अक्षत को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दीपिका उसके सामने ऐसी बातें करेगी। दीपिका, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अक्षत ने उदास होते हुए कहा। तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर मैं अंशुमन के साथ रिलेशनशिप में आ गई तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, दीपिका ने बेरुखी से कहा। इतना कहकर दीपिका वहां से चली गई। अक्षत चुपचाप खड़ा वहां दीपिका को जाते हुए देखता रहा। इसके बाद दीपिका अपने केबिन के वॉशरूम में आ गई। उसने अपने कंधे और कमर पर लगी चोट के निशानों को देखा। दीपिका को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। जमीन पर बुरी तरह से गिरने की वजह से उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। दीपिका वापस आकर अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठ गई। तभी उसे दर्शन का फोन आ गया। क्या बात है दीपिका, तुम तो बिल्कुल अपने डैड पर गई हो। अगली बार जब तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें कुछ फाइटिंग मूव्स सिखाऊंगा, ताकि तुम उस लड़के को सबक सिखा सको, दर्शन ने कहा। डैड, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, मैं भाई से फाइटिंग मूव्स सीख लूंगी, दीपिका ने झट से कहा। इतना कहकर दीपिका कुछ सोचने लगी और फिर बोली, डैड क्या आप अंशुमन के बारे में जानते हो? हाँ, मैंने उसके बारे में बहुत से लोगों से सुना है। अंशुमन पिछले साल यहाँ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए आया था। उसका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इस साल अप्रूव कर दिया है। दीपिका, तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में और किसी को मत बताना, ये एक सीक्रेट मिशन है। अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो अंशुमन की जान खतरे में पड़ सकती है। तुमने इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ साथ अंशुमन का भी ख्याल रखो, दर्शन ने कहा। ठीक है डैड, दीपिका बोली। अगर बात हमारे देश की सेफ्टी की है तो तुम्हें अपने देश को चुनना होगा। इसी वजह से शुरुआत में भी मैं नहीं चाहता था कि तुम पुलिस ऑफिसर बनो। मैं हमेशा से अपनी बेटी को सेफ रखना चाहता था, दर्शन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अचानक दर्शन की बात सुनकर दीपिका को अपने दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। दर्शन से कुछ देर बात करने के बाद वो दवाई खाकर जल्दी सो गई, क्योंकि अगली सुबह उसे तनुजा के साथ शादी की शॉपिंग पर जाना था। सुबह तनुजा, दीपिका, अरमान, सिद्धार्थ और जिमी के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। शिवानी और दीपिका ब्राइड्स मेड थीं और दूसरी तरफ जिमी और सिद्धार्थ ग्रूम्समैन बने थे। जैसे ही तनुजा और बाकी सब लोग मॉल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवानी वहां पहले से ही खड़ी सबका इंतजार कर रही है। दीपिका ने जैसे ही शिवानी को वहां देखा तो वो शिवानी के पास गई और उसके गले लगते हुए बोली, आखिर मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया। तनुजा ने मुझे तुम्हारे बहुत से सॉन्ग्स रिकमेंड किए थे, मुझे तुम्हारे सारे गाने बहुत अच्छे लगे। मैं बहुत वक्त से तुमसे मिलना चाह रही थी और देखो आज वो दिन आ ही गया। वैसे शिवानी, मैंने तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में सुना, उस लड़के ने तुम्हें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। वैसे हम दोनों की लाइफ एक जैसी ही है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। दीपिका की बातें सुनकर शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। हाँ, मैंने भी तनुजा से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तनुजा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। पहले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब मैं जान चुकी हूँ कि तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो। मैं खुश हूँ कि तुम भी मेरी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो। मैं तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ, शिवानी ने कहा। शिवानी, तुम भी आज के यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो। तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने खुद को प्रूव कर दिया है। आज तुम एक फेमस सिंगर बन चुकी हो। अगर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारी अचीवमेंट्स को देखेगा ना, तो उसे अपनी किस्मत पर अफसोस होगा। उसने इतनी होनहार और काबिल लड़की को जो खोया है, दीपिका ने शिवानी की तारीफ करते हुए कहा। तनुजा चुपचाप उन दोनों को एक दूसरे की तारीफ करते देख रही थी। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो। अब तुम दोनों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो क्या हम शादी की शॉपिंग कर लें, तनुजा ने झट से कहा। तनुजा की बात सुनकर दीपिका और शिवानी हंसने लगे। तनुजा, तुम शादी को लेकर भाई से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो, दीपिका बोली। इसके बाद वो सब अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए एक फेमस शॉप में चले गए। सबसे पहले अरमान और ग्रूम्समैन अपने लिए शेरवानी और सूट ट्राई करने लगे। यहाँ तनुजा ब्राइड्समेड के साथ बातें करने में बिजी थी कि तभी व्हाइट शेरवानी पहने अरमान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अरमान इस वक्त बहुत स्मार्ट लग रहा था। शेरवानी में अरमान की बॉडी शेप को देखकर तनुजा की आंखें उससे हट ही नहीं रही थीं। अरमान तनुजा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसका हैंडसम चेहरा और क्यूट सी स्माइल किसी को भी उसका दीवाना बना सकती थी। वो किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था। वैसे तो अरमान और तनुजा एक साथ ही रहते थे,
लेकिन आज तनुजा अरमान को इस तरह देख रही थी मानो वो उससे पहली बार मिल रही हो। अरमान को देखकर तनुजा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। तनुजा, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरमान ने तनुजा की तरफ देखते हुए कहा। अरमान ये अच्छे से जानता था कि तनुजा क्या कहने वाली है, पर फिर भी वो उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। तनुजा को सबके सामने अरमान की तारीफ करते शर्मा रही थी। भाई, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, दीपिका ने झट से कहा। अरमान सच में बहुत स्मार्ट लग रहा था। दीपिका भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे कॉम्प्लीमेंट तनुजा के मुंह से सुनना है, अरमान ने तनुजा की तरफ देखते हुए कहा। तनुजा ये बहुत अच्छे से जानती थी कि अरमान उसके मुंह से अपनी तारीफ सुने बिना नहीं मानने वाला, इसलिए तनुजा ने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, ये शेरवानी तुम पर अच्छी लग रही है, क्यों ना तुम शादी पर यही पहनो, तनुजा ने आगे कहा। और हमारा क्या, अचानक जिमी ने अरमान को एक तरफ धकेलते हुए कहा। जिमी सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर तनुजा के सामने खड़ा हो गया। जिमी ने ऑफ वाइट कलर का सूट पहना था। जिमी भी इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। सिद्धार्थ उन सब में सबसे छोटा था। सिद्धार्थ भी जिमी की तरह ऑफ वाइट सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। वो वहां खड़े सभी लड़कों में सबसे अलग दिख रहा था। दीपिका, तनुजा और शिवानी का मुंह सिद्धार्थ को देखकर खुला का खुला रह गया। अब जिमी और अरमान सिद्धार्थ से जेलस फील कर रहे थे। तभी अरमान सिद्धार्थ के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, सिद्धार्थ को इस तरह घूरना बंद करो, वो अभी बहुत छोटा है। तनुजा ने अरमान की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी दीपिका अरमान को छेड़ते हुए बोली, सिद्धार्थ तुम दोनों से उम्र में छोटा होने के साथ साथ ज्यादा हैंडसम भी है। इस पर जिमी ने नाखुश होते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं अब भी बहुत स्मार्ट हूँ, तुमने मेरे डिम्पल्स देखे हैं, लड़कियाँ मेरे डिम्पल्स पर मरती हैं, भले ही उम्र में मैं सिद्धार्थ से बड़ा हूँ पर दिखने में अब भी मैं यंग लगता हूँ। तभी अरमान ने उन दोनों से चिढ़ते हुए कहा, मुझे शादी में ग्रूम्समैन की जरूरत नहीं है, तुम दोनों वापस जा सकते हो। अरमान को उन दोनों को अपना ग्रूम्समैन बनाने पर अफसोस हो रहा था। अरमान को लग रहा था कि अगर सिद्धार्थ उसके साथ रहा तो शादी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं बल्कि सिद्धार्थ होगा। तुम तीनों की शॉपिंग हो गई हो तो क्या अब हम शादी का लहंगा सेलेक्ट कर लें? तनुजा ने इतराते हुए कहा। इतना कहकर तनुजा दीपिका और शिवानी को अपने साथ खींचते हुए वहां से ले गई। अरमान भी उन तीनों के पीछे पीछे जाने लगा कि तभी जिमी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, आओ यहाँ बैठकर कुछ बातें करते हैं, तनुजा के साथ दीपिका और शिवानी है ना, वो उसे ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प कर देंगी। मैं शादी से रिलेटेड कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता, स्पेशली तनुजा का लहंगा, अरमान ने झट से कहा। इतना कहकर वो भी तनुजा के पीछे पीछे चला गया। कि देखकर अरमान तनुजा की कितनी फिक्र करता है, दीपिका तनुजा से जेलस फील करने लगी। अरमान को पीछे पीछे आते देख दीपिका ने तनुजा से कहा, अरमान तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं जब अक्षत और मेरी शादी होने वाली थी, तब तुम मेरी ब्राइड्समेड बनकर मेरे साथ ड्रेस सेलेक्ट करवाने आई थी, वैसे वक्त को बदलते देर नहीं लगती, अफसोस मेरी शादी तो हो नहीं पाई पर आज मैं तुम्हारी ब्राइड्समेड बनकर बहुत खुश हूँ। तुम बीते दिनों को याद करके उदास मत हो, तनुजा ने दीपिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी शिवानी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, दीपिका हम दोनों की लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो हमारे लिए एक लेसन था, देखो आज हम दोनों ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हैं, तुम बीती बातों को भूल जाओ। इसके बाद वो तीनों अरमान के साथ शॉप में पहुंच गईं। तनुजा अपने लिए बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे देखने लगी। शॉपकीपर तनुजा को नए नए लहंगे ट्राई करवा रहा था। मैम ये लहंगा ट्राई करके देखिए, इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये लहंगा ज्यादा हैवी नहीं है, लाल रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा, इसे हमने खास तौर पर हमारे स्पेशल कस्टमर्स के लिए ही तैयार करवाया है, शॉपकीपर ने तनुजा को लहंगा ट्राई करवाते हुए कहा। तभी अरमान ने कहा, वैसे इसका प्राइस क्या है? ये लहंगा 30,000 का है, शॉपकीपर ने कहा। तभी अरमान ने उदास होते हुए कहा, और कुछ दिखाइए, मैं नहीं चाहता कि तनुजा शादी पर इतना सस्ता लहंगा पहने, प्लीज आप कोई महंगा सा लहंगा दिखाइए। तभी शॉपकीपर ने अरमान से कहा, हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा है लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, अगर आप चाहो तो मैं वो लहंगा आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अरमान ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा।